नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास में ये एक मिनी वेल्डिंग मशीन है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये मशीन ऑन तो हो रही है, लेकिन इसमें जो ये टर्मिनल है इसके वेल्डिंग वाले, इसमें करंट नहीं आता है। इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम होती है मैं आज सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं है और इसमें SMPS वगैरह लगी हुई है, स्विच लगा है, मेन लीड है और एक फैन लगा है इसको हीटिंग से बचाने के लिए। दोस्तों इसके साथ ही इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। इसको मैं फिलहाल पावर में लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें पावर आ गई है और ये ऑन भी हो गई है। दोस्तों ये इसकी डिस्प्ले है और इसके साथ ही ये इसका रेगुलेटर है, जिससे कि हम इसके एम्पियर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मशीन बिल्कुल ओके थी, लेकिन इसमें ये जो टर्मिनल है इसमें DC वोल्ट नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से इसमें एक तरीके से कह लीजिए आपके इसमें वेल्डिंग जो था वो नहीं हो रहा था। दोस्तों इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसे कैसे रिपेयर करेंगे, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर मशीन आपकी ओके है, डिस्प्ले आ रही है, आपका रेगुलेटर काम कर रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि आपकी AC का जो सेक्शन है वो बिल्कुल ही ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाला जो ये सेक्शन है, ये इसका AC का सेक्शन है, और दोस्तों जब हम इसमें पावर देते हैं AC वोल्ट की, तो वो मेन लीड से स्विच पर होकर सीधे हमारे SMPS में आते हैं और SMPS इस 200 या 240 AC वोल्ट को लगभग DC 300 वोल्ट कर देती है। दोस्तों अगर आपकी मशीन में किसी तरह की भी DC पावर नहीं आती है, आउटपुट नहीं आती है, तो फिर सबसे पहले आपको इस जैक पर, या फिर यहाँ पर भी ये एक ही जैक होता है दोस्तों, एक ही वायर होती है, यहाँ पर आप रेड और ब्लैक जो वायर है इस पर आप वोल्टेज चेक करें, क्योंकि दोस्तों इसी सर्किट से जो है वो इसकी DC वोल्ट बनती हैं और ये DC वोल्ट सीधे इस सर्किट में आती हैं। दोस्तों इसमें आपको करीब 250 से 300 DC वोल्ट मिलेंगे। अगर दोस्तों 250 या 300 DC वोल्ट इसमें आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका AC का सेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों अगर आउटपुट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों आपको देखना होगा जो ये लगे हैं IGBT, आपको इनको भी देखना है। इसके नीचे डायोड वगैरह लगे हैं, आपको इनको भी देखना है। दोस्तों इनको चेक करने का तरीका क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोनों तरफ ही इसी तरह से IGBT भी लगे हैं और डायोड भी लगे हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले इसके IGBT चेक करने हैं। दोस्तों इसको आप कंटिन्यूटी पर चेक करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों आपको कंटिन्यूटी पर चेक करने के लिए मीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पर रखना है, और उसके बाद आपको एक प्रॉप बीच में रखना है और दूसरी प्रॉप आपको इस टर्मिनल पर रखकर चेक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ भी चेक करना है और वायर को पलट कर भी चेक करना है। दोस्तों आप ध्यान दें कि इस पर कोई भी कंटिन्यूटी आपको नहीं दिखाई देगी। अगर आपके IGBT सही हैं तो इस कंडीशन में कोई भी कंटिन्यूटी आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। कंटिन्यूटी मोड पर मैंने मीटर को कर लिया है और जब हम इसको चेक करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसको मैंने एक बीच में लगा दिया है और इसके बाद ये कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है, और अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो हमारा मीटर ओके है। दोस्तों इस पर किसी पर भी अगर कंटिन्यूटी आती है या बीप की आवाज आती है, तो फिर आपको उसको आसानी से निकाल कर देखना होगा। दोस्तों इसको निकालने के लिए आप सर्किट को बिल्कुल भी अलग ना करें, ये स्क्रू खोल के इसको हल्का सा हाथ से उठा लें और आयरन को गर्म करके इसको आसानी से ऐसे ही निकाल लें और इसी तरह से इसको आसानी से लगा दे, कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों अगर सारे IGBT ओके हैं, कोई IGBT खराब नहीं है, तो फिर इसके बाद आपको इन डायोडों को चेक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप डायोड को चेक करने के लिए एक प्रॉप बीच में रखें और दूसरी प्रॉप आप किसी भी टर्मिनल पर रख दें, तो यहाँ पर आपको डायोड की कंटिन्यूटी मिलेगी लगभग 300 से 400 के आसपास। और दोस्तों अगर आप इसको पलट कर चेक करेंगे तो इस पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आएगी। देखिए मैं इसको इस तरह से अगर चेक करता हूँ, तो देखिए
इसमें कोई कंटिन्यूटी दोनों पोल पर नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको प्रॉप को उल्टा करता हूँ तो इसमें वही कंटिन्यूटी आने लगी है। ठीक, तो दोस्तों ये डायोड जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, दोस्तों डायोड को अगर कंटिन्यूटी पर चेक करते हैं और मान लीजिए कि आपका इसमें कोई एक डायोड शॉर्ट है, जैसे कि इसमें ये पहले से शॉर्ट निकला था तो मैंने इसको चेंज कर दिया है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि इसमें कोई एक डायोड किसी भी तरह से शॉर्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो इसमें क्या होगा कि ये शॉर्ट दिखाएगा। और दोस्तों अगर एक भी पीस खराब होगा तो हम किसी भी डायोड को चेक कर लें, सारे डायोड पर हमें जो है वो बीप की आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों आप IGBT को इसमें लगे लगे चेक कर सकते हैं, अगर एक IGBT खराब है तो आपको डिजिटल मीटर एक ही खराब दिखाएगा, लेकिन डायोड अगर आपका एक खराब है तो मीटर आपको सारे ही डायोड खराब बताएगा। दोस्तों डायोडों को चेक करने के लिए आपको इसको PCB से बाहर निकालना होगा, उसके बाद ही आप इसको मीटर से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यही ज्यादातर कॉमन फॉल्ट इस मशीन में आते हैं, आप इसको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस डायोड की कीमत कितनी होती है, तो दोस्तों इसकी कीमत तकरीबन मार्केट में 95 रुपये है। दोस्तों फिलहाल इसमें डायोड खराब थे और कोई दिक्कत नहीं थी, उनको मैंने चेंज कर दिया और मशीन बिल्कुल ओके हो गई है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटे के निशान को भी ऑल पर दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।